Welcome back to our class 12 students, and we are in the ray optics, and right now I am going to discuss optical instrument. We have some optical instrument by which we can see very tiny particles or small particles, and also we have some instruments, optical instrument, by which we can see beyond our limitation, where we cannot see by our naked eye. यानी कि बहुत दूर स्थित वस्तुएं जो हैं, चीजें हैं, सेलेस्टिकल बॉडीज, अदर गैलेक्सीज, उसको देखने के लिए भी हम सक्षम हो जाते हैं. और कैसे हो जाते हैं तो आपको रीजन बताता चलूँ, वो है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण ऐसा पॉसिबल होता. तो आपको मालूम है, बेसिकली टेंथ में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि माइक्रोस्कोप होते हैं. तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं. इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें हम लोग वायरस और बैक्टीरिया के लेवल, यानी माइक्रोमीटर की रेंज की जो चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया वायरस है, उनको देखते हैं. इसके अलावा फिर देन वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिससे हम बहुत दूर की गैलेक्सीज, स्टार्स एंड सेलेस्टिकल बॉडीज को देखते हैं. जो टेलीस्कोप है वो कई टाइप के होते हैं. उनमें से हमको अभी जो अपने सिलेबस में पढ़ना होगा वो होगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप. तो ये सारी चीज़ें अभी अभी करना है. फिलहाल हम बात करते हैं, सबसे पहले विजुअल एंगल की बात करते हैं, कि व्हाट इज़ द विजुअल एंगल. विजुअल एंगल क्या है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आइज में क्या करता है, जो एंगल बनाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो जो एंगल क्रिएट करता है उसको विजुअल एंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि जो है, अगर यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट से जो है हमने एक लाइट रे मिलाई हुई है, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम मान लेते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मान लेते हैं थीटा डिग्री का एक एंगल बना रहा है. सिमिलरली इसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ये जो ऑब्जेक्ट दूर हो गया, अब ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस थीटा डिग्री का ही हमारा विजुअल एंगल आपको पर बनेगा. तो ये रेटिंग दर्शन है, इसको आँख की तरह मानिए, और ये रेटिना पे जाके इमेज बनती है. तो आप देख रहे हैं पास के ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इमेज बन रही है, और जब दूर हो गया थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है. ये क्या है, ये विजुअल एंगल इसे कहते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं. यानी कि अब क्या होता है, जैसे स्टार्स वगैरह बहुत बड़े हैं बट उतनी ही दूर पर है, यानी उनका विजुअल एंगल भी हमें हमारी आंखों में छोटा बनता है, इसलिए पॉइंट साइज हमको दिखाई पड़ते हैं. ठीक, अब ये देखिए, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल. दिस इज द डेफिनेशन जो हमको यहाँ पर आपको क्या करनी है, अपनी आप जो है नोटबुक में नोट कर सकते हैं. साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी पास हो, दूर हो, जो भी आंख में एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं विजुअल एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल. सो यू हैव 5 सेकंड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम बाय पॉजिंग द वीडियो. So the next topic is simple microscope. तो simple microscope बिल्कुल इस तरीके से, जो डिटेक्टिव जो है, एक आपको मालूम है डिटेक्टिव जो यूज करते हैं, बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप है, होता कुछ नहीं, केवल एक लेंस होता है. और अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जैसे प्रोजेक्टर का भी लाइट को हमने प्रोजेक्ट करा है, पॉइंट साइज आपको इमेज दिख रही है. और ये देखिए, अगर बहुत करीब ले आए तो देखिए एकदम वो वर्चुअल, और इसकी जो है आपको जो है एक इरेक्ट इमेज आपको दिख रही होगी. लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो अब ये देखिए एनलार्ज होने लगा. ये देखिए बहुत बड़ा हो गया, वर्ड आप देख रहे होंगे सामने, बहुत बड़े वर्ड हो गए. ठीक है, तो ये जो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरीके से काम करता है, कि जो चीज़ें हमको देखनी होती है प्रॉपर डिस्टेंस में रख के, हम
छोटी चीज़ों को बड़े लेवल पे थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन मिलीमीटर के ऑर्डर की चीज़ें हैं या उससे थोड़ी छोटी चीज़ें हैं तो हम उसको जनरली जूम करके देख सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत सिंपल सा डायग्राम आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं एक लेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक ए वी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये जो ए वी ऑब्जेक्ट है, विजुअल एंगल के बारे में भी हमने आपको बताया था, जो आपका ए वी ऑब्जेक्ट है, इस ए वी ऑब्जेक्ट को फोकस, ये पर आप देखिए ये फोकस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में रखा है। दो रेस लेते हैं लाइट रेस, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर फोकस की तरफ जाएगी। इसको पीछे बढ़ाया, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लेके इसको पीछे बढ़ाया और जहाँ मिलती है तो वहाँ पर देखिए एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको दिख रही है, एटेस बीडेस दिख रही है। तो सेम यही काम होता है इसमें आपका, सा ये काम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत आसान है। और अगर हम जो है बात करते हैं कि जो इमेज जो एंगल बनाती है वो विजुअल एंगल बीटा बनाती है, जबकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अगर केवल ए बी ले ले, वो विजुअल एंगल जो आईस में बनाती है वो अल्फा बनाती है। ठीक है, तो और इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट की जो एक डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ये कैपिटल डी हो गया आपका। तो ये पूरा एक तरीके से डायग्राम हो गया। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरीके से काम करता है। लिखने के लिए आपको मालूम है कि डायग्राम को ही हम जो है लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो एक मैग्नीफिकेशन का एक दोबारा से फार्मूला आप देखें, यहाँ पर लिखा है कैपिटल एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, यानी कि इमेज जो एंगल बना रही है इस पे, दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कैपिटल डी पर हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं उससे जो इमेज बनती है वो बनती है इमेज अल्फा। तो एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है। फिर ऊपर वाले डायग्राम में अगर हम जो है वहाँ पर हमने क्या है, क्योंकि एंगल स्मॉल होते हैं, स्मॉल विजुअल एंगल बनता है, तो बीटा को टैन बीटा मान के परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, ए बी अपॉन वे आ गया, अल्फा को टैन अल्फा मान के परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन डी आ गया। अब एम इक्वल टू ए बी अपॉन वे अपॉन ए बी अपॉन डी इस फार्मूले से कर दिया है, तो ये ए बी और ये ए बी यहाँ पर कट गया, तो आपका डी अपॉन ओए आ गया। अब ओए क्या है, ओए इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ए पर ऑब्जेक्ट रखा था वो उसको ऑप्टिकल सेंटर था, तो जनरली ये फार्मूला आपका रहता है एम बराबर डी बाई यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। तो ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग करके चलते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फार्मूले के फॉर्म में लाना चाहे तो ला सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है 1/v-1/u=1/f, है ये फार्मूला होता है किसके लिए, लेंस फार्मूला जिसे आप कहते थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इमेज लेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बन रहा है कैपिटल डी है, सारी डिस्टेंसेस लेफ्ट में आती है इसलिए माइनस की हो जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यू होगा, तो हमने 1/v की जगह 1/-d रख दिया, -1/-u रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह और 1/f फोकस का रख जगह रखा हुआ है। देन फिर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ गया 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, यानी कि हमने क्या करा, 1/u तो प्लस का हो जाएगा, 1/d को उधर भेज दिया। अब हम दोनों साइड में अगर डी का मल्टीप्लाई करा दें, देखिए अब हम दोनों साइड में अगर डी का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डी का मल्टीप्लाई कराने से डी बाई यू हो गया और डी अपॉन डी कट जाएगा तो 1 हो गया प्लस डी बाई एफ, तो ये एम इक्वल टू कितना आ गया, 1 + d / f आ गया। दिस इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन, द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके, ठीक, एक और केस है करने के लिए, टू सी विद रिलैक्स्ड आई द इमेज ए डैश बी डैश शुड बी फॉर्मड एट इनफिनिटी, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट ए बी विल बी द फोकस ऑफ द लेंस दैट इज यू इक्वल टू एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर जो है हम ये मान के चले कि इसकी जो इमेज है वो इनफिनिटी पर बनेगी तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक फोकस में आना चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला एम इक्वल टू केवल डी अपॉन एफ होता है। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो गई। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होता है, पूरा डे डायग्राम दिखा दिया, उसके आधार पर आप चीज़ें लिख सकते हैं, थ्योरी बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, देन जैसे फार्मूला निकलवाए वो निकाल सकते हैं। नाउ मूव ऑन द फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की चीज़ें जो होता है उनको कैसे करके देता है, उनको एम्पलीफाई करके देता है। तो ये आपके सामने अब आ गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खासियत है कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंसेस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो आई की तरफ होगा उसको आईपीस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस जो है आपका एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के तहत होती है, जिसमें आप आईपीस को आगे पीछे एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर इमेज देखने के लिए। ठीक, अब इसका रे डायग्राम समझना है। रे डायग्राम समझने के बाद पूरा आपको वो उसका अरेंजमेंट वगैरह लिखना है। इसका जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे उससे आप अपना थ्योरी लिखना चाहें वो थ्योरी लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये जैसे लिखा था एंटायर ट्यूब कैन बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाई रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के जरिए आगे पीछे हम खिसका भी सकते हैं। अब देखिए क्या कर रखी, देखिए यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है। इससे दो हमने ली लाइट रेज, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो मालूम इस लेंस के फोकस से होके जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पर जो है आपको क्या मिलती है, फर्स्ट इमेज आपको मिलती है। ठीक है, एक फर्स्ट इमेज मिल गई, यानी कि आप पहले इसके बाद समझेंगे ऑब्जेक्टिव पे दो फोकस है, एफ ओ डैश लेफ्ट है, राइट पे एफ ओ है। इसी प्रकार ये आई पीस है, जिसका बस ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस का जो अपर्चर होता है बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव पे छोटा होता है। तो आई पीस का अपर्चर देख रहे हैं, इसका फोकस लेफ्ट साइड पे एफ ई डैश है, इधर एफ ई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर बी पर जो है ये जो इमेज बनी है फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश बन गई। अब इसको इन लाइट रेज को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ इंटर होंगी दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे इंटर होती हैं आई पीस पर, रिफ्रेक्शन होगा, रिफ्रेक्शन के बाद ये आईस तक पहुँच रही है, इसको आप पीछे खींच दिया है मिल रही है। इसके अलावा ए डैश बी डैश से दो लाइट रे और नहीं है, जो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, दूसरी पैरेलल जाके फोकस जो आई पीस का फोकस है उससे जा रही है, और इन दोनों को भी पीछे मिलाते हैं तो ये कहीं बी डैश पॉइंट में मिलते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो फाइनल इमेज मिल रही है ये हो गई आपकी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज द फाइनल इमेज। और कहाँ मिलती है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। अब कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से यू नॉट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से फर्स्ट इमेज जो बन रही है उसकी डिस्टेंस बी नॉट है, देन इसके अलावा जो ये फर्स्ट इमेज बन रही है और इसका ये काम करेगी ऑब्जेक्टिव का किसके लिए, आई पीस के लिए, तो ये यू ही हो गया। ठीक है, अब जो इमेज एंगल बनाएगी वो आपको मालूम है बीटा एंगल बनाती है। ठीक, तो ये पूरा एक डायग्राम है, इसको आप पॉज करके वीडियो इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, यू हैव ओनली 5 सेकंड। ओके, सो अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा थ्योरी तमाम फॉर्मेशन ऑफ इमेज वगैरह दिया है, अब हम लोग को जो मैथमेटिक्स इसकी करनी है उस पर जाना है। हमने कहा ज़्यादातर लिखने के लिए हम जो डायग्राम में कर रहे हैं वही चीज़ें लिख भी सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन ऑफ पावर। आपको मालूम है एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये फार्मूला आप बीटा अपॉन अल्फा फार्मूला पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर बीटा, अब डायग्राम में अगर आप जाइए और वहाँ पर जाके जरा बीटा की वैल्यू को देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीटा इक्वल टू टेन बीटा ए डैश बी डैश, और ये आगे अपॉन ई ए डैश आ जाएगा। वो डायग्राम देखना पड़ेगा, इसको बैक हम लोग जाएंगे। ये देखिए ये बीटा आपको दिख रहा है, तो ये अगर हम बीटा को टेन बीटा लेके चल रहे हैं तो टेन बीटा में हमने क्या क्या बात बताई है कि ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये है ई, ये है ए, ये है बी डैश, तो ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश हो गया। ठीक, ये फाइनल इमेज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बन गई। तो बीटा की वैल्यू हो गई, सिमिलरली अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा आपको मालूम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। ठीक है, जो एंगल विजुअल एंगल बनता है इसको उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट था अपॉन डी हो गया। एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा लगा लिया तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए बी अपॉन डी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ई ए डैश यहाँ पर आ गया। अब डायग्राम देखिए वापस, ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है वो आपकी वी नॉट आती है और ए बी की वैल्यू माइनस का यू नॉट आती है,
ये आपको ऊपर डायग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। जो साइन कन्वेंशन की बात है तो वो आपको मालूम है कि लेफ्ट पे लेंस के लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट पे नेगेटिव डिस्टेंस और बाकी सारी राइट पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट वैल्यू आप रख दीजिए, तो जो आपका मैग्निफिकेशन आता है जनरल फार्मूला वो ये आता है माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। अब 5 सेकेंड बाद हम बात करते हैं कि अब दो कंडीशन है, यानी कि जब इमेज बन रही हो कैपिटल डी पर और दूसरी है जब इमेज बन रही हो इन्फिनिटी पर, तब इसका हम लोग जो है क्या फार्मूला मैग्निफिकेशन का निकालेंगे। ओके, सो जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, फाइनल इमेज आपकी बन रही है कैपिटल डी पर, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बन रही तो वी की जगह माइनस डी आ गया, यू यहां पर क्या हो जाएगा फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट के लिए माइनस यू ही हो जाएगा और एफ प्लस का एफ ही हो जाएगा। तो ये फार्मूले की बात करते हैं, तो माइनस का वन अपॉन डी इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस का वन अपॉन यू ई इक्वल टू वन अपॉन क्या आ गया एफ ही आ गया। ओके, ओके, सो जस्ट वेट एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस द फार्मूला। अब ये जो है वैल्यू सारी रख दी, वी की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस का यू ही हमने बताया, एफ की जगह एफ ई, यानी कि जो फाइनल इमेज हमने बताया डिस्टेंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर मिलेगी, आई पी से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ही हो जाएगी, माइनस की होगी लेफ्ट साइड पर, एफ हो जाएगा प्लस का एफ ई। तो ये आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई, और अगर डी से दोनों साइड में हमने डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो डी बाई डी कट जाएगा या वन बचेगा, तो जो एम है लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। तो डी अपॉन यू ई जो लिखा था उसकी जगह वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ गया, यानी कि जब कोई इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिविजन पर बनेगी उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा वो एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई आएगा। 5 सेकेंड में पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंड क्या है कि जब आपकी इमेज बन रही हो इनफाइनाइट में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनी है डैश वी डैश, ठीक है। अब इससे जो इमेज बन रही है देखिए उसको कहीं पर लाइट रे मिल नहीं रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है, ऐसी कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा तो लिखा है एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन कितना आ जाएगा एफ ई आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज फॉर्मड एट इनफिनिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, डायग्राम एंड फार्मूला जस्ट। सो तो इट्स ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ध्यान रखिएगा एक और भी आता है कि पोजीशन ऑफ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इस कंडीशन में वी नॉट प्लस एफ ई होगी, इसको आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर वाली कंडीशन जो थी जब इमेज डी पर बन रही थी तो वो वी नॉट प्लस यू ई हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों आप नोट कर सकते हैं इसको, और ये आपका सारा ऑल अबाउट हो गया, माइक्रोस्कोप की बात आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें बहुत दूर की चीज़ें देखनी होती हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करते हैं। और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या है और एडजस्टमेंट में क्या है, केवल एक बार पढ़ना है, और हमारा जो सारा फोकस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे होता है, क्योंकि उसमें आपको याद कुछ नहीं करना है क्या लिखा है, बस आपको जो याद करना है वो जस्ट आपको एक इसका जो है डायग्राम आपको याद करना है, एक डायग्राम याद करने की आपकी जरूरत है। ये डायग्राम आपका बना हुआ है, देखिए ए बी बहुत दूर स्थित कोई ऑब्जेक्ट है, उससे आप देख रहे हैं इनफाइनाइट से 2 रेज आ रही हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से जो बिना अनडेविएटेड आगे की तरफ बढ़ेगी, और दूसरी मान लेते हैं इनफाइनाइट से आ रही है, तो वो कहाँ से जाएगा, ये आप इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ध्यान रखिएगा इन द केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो उसका अपर्चर बड़ा हो जाता है, आईपीस का अपर्चर छोटा हो जाता है,
तो अब जो इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस होगा उससे जाएगी और जहां पर मिलेगी उसकी एक आपको छोटी इमेज एडस बीडस यहां पर दिख रही है, ठीक है। अब इस एडस बीडस से फिर हमने क्या करा, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, दूसरी लाइट रे पैरेलल गई, तो जो है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से होके जाएगी। इनको पीछे बढ़ा दीजिए तो देखिए ए डबल डस बी डबल डस, ये फाइनल इमेज बन गई। अब आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली एक अच्छी खासी इसकी इमेज हमको दिखाई पड़ी, यानी कि बहुत ह्यूज सेलेस्टिकल बॉडी जो हमसे जाने कितने ही जो है लाखों किलोमीटर दूर भी होगी, उसका एक इमेज हमको देखने को मिल गया। इसका फॉर्मेशन एट डिस्टेंस कैपिटल डी हुआ, ये यूई हो गई डिस्टेंस, ठीक है, ये एफ डैश हो गए, ये एफ हो गया, ठीक। तो इस तरीके से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये डायग्राम पूरा बन गया। इमेज जो एंगल बनाएगा वो विजुअल एंगल बीटा बनाएगा और जो ऑब्जेक्ट केवल एंगल बनाएगा वो अल्फा। एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम है। तो 5 सेकंड इस डायग्राम को पॉज करके वीडियो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं इसकी। तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, वहीं पर आप जाइएगा ज्योमेट्री डायग्राम देखना, तो बीटा इक्वल टू टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए। तो अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर की बात करते हैं, तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश, ए डैश बी डैश करके ओ ए डैश अपॉन ई डैश आ गया। तो जो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया वो एम अपॉन एम इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई यहाँ पर जो है फार्मूला बन के आ गया, क्योंकि जो ओ ए डैश है वो एफ ओ है और जो ई ए डैश है वो यू ई है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन। अब फिर इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन होती है कि जब फाइनल इमेज बने कहाँ पर, जब फाइनल इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यहाँ पर अगर बनेगी तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा, तो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है। फिर हमने क्या कहा, वी की जगह जो फाइनल इमेज बन रही है वो डी पर बनती है, तो माइनस का डी, यू की जगह माइनस यू, एफ की जगह प्लस का एफ लेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद इस तरीके का बनेगा, एफ ई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1+fe/d आ गया, एम का फार्मूला माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई 1+fe/d। तो ये आप जो है 1/ui की वैल्यू आपने ऊपर जो फार्मूला देखा था वहाँ पुट कर दी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज फाउंड एट डिस्टेंस कैपिटल डी। फिर एक कंडीशन और आती है, जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। और अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो आप देखिए यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, डायग्राम बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट पर बन रहा है। इस कंडीशन में जो आपका फार्मूला आता है वो एम इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई आता है, और इस दौरान जो टेलीस्कोप की लेंथ होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई आती है। तो ये जो डायग्राम अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डायग्राम एग्जाम में आप नहीं भी बनाए तब भी चलेगा, केवल फार्मूलेज आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो विद इन 5 सेकंड यू कैन नोट इट डाउन। सो इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फाइनली ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है, जो ज़्यादातर ये जो यूज होता है टेलीस्कोप वो यही यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। इसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बहुत दूर पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी सिचुएटेड है, एक कॉनकेव मिरर इसके सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से दो लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही हैं, यहाँ पर टकराती हैं, टकराने के बाद उनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देन यहाँ पर एक लगभग 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर N2 लगा हुआ है, ये टकराकर इमेज यहाँ पर जो है टकराती हैं लाइट रे, और वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट यहाँ से भी होंगी, और यहाँ से फिर जो है इस तरीके से टकराई, और टकराने के बाद ये देखिए एक लाइट रे ये आ रही है यहाँ पर पहुँची, और दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से टकरा कर यहाँ पर पहुँची, ठीक है। ये आईपीस लगा हुआ है, फाइनल एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और उस कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए ये दोनों लाइट रे टकराने के बाद जहाँ मिली वहाँ पर क्या बन जाती है, एक आपकी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो जो ए बी ऑब्जेक्ट था, तो उस ए बी ऑब्जेक्ट की एक इमेज जो ये ए डैश बी डैश आपको दिख रही है यहाँ पर, और इस ए डैश बी डैश की जो एक और आपको जो इमेज मिलेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज यहाँ पर मिल रही है। तो क्या हो रहा है, दो लाइट रे आई कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ,
रिफ्लेक्शन के बाद देखिए एक लाइट रे यहाँ गई और एक लाइट रे यहाँ गई। अगर इन दोनों लाइट रे को हम लोग बात करेंगे और इन दोनों लाइट रे को अगर पीछे कहीं बढ़ा दें तो ये देखो इस पॉइंट पे एफ ओ पे जाके मिलती है जहाँ पर एक ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बन गई। देन एक नॉर्मल हम लोगों ने ड्रा कर लिया है। ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रे आएंगी तो जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर एफ ई जिसे कहते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश फोकस पर, इस आई पीस का फोकस है, यहाँ पर जो है आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एक इमेज ए डैश बी डैश मिल गई। ठीक, अब ये जो है इमेज का विजुअल एंगल बीटा है और ये ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल अल्फा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये आई है, इस पर आपको टकरा के आंखों तक आपकी बात पहुँच रही है। तो जनरली हमने कहा जो टेलीस्कोप आजकल आप देखते हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सब वैसा ही है, फार्मूले वही हैं, कुछ उसमें नया नहीं है। और कुछ एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, जैसे कि इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन दैट फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इक्विवेलेंट साइज है बट दोनों में से ब्राइटर होता है रिफ्लेक्शन वाले में। फर्दर इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमिक एब्रेशन बिकॉज ओनली रिफ्लेक्शन इज इन्वॉल्वड व्हाइल दिस डिफेक्ट परसिस्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कहीं ना कहीं क्रोमेटिक कहीं एक एब्रेशन करके जो एक प्रॉब्लम है जो जनरली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इसके बजाय पर अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। विद द यूज ऑफ पैराबोलाइडल मिरर द इमेज में आल्सो बी मेड फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबर्शन। ये भी स्फेरिकल एबर्शन भी एक प्रॉब्लम है जिससे इमेज में थोड़ा सा जो है स्फेरिसिटी होती है, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो यहाँ पर जनरली नहीं होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये दो और आपको जो दिख रहे हैं इनमें से जनरली रेयरली पूछने वाला जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बट अपने ध्यान में लाने के लिए इसको जो है कर सकते हैं। फार्मूले वही रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप में फार्मूले वही हैं। ये डायग्राम अब आपके सामने है और इस डायग्राम को आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, इसको पॉज करके वीडियो नोट कर ले। तो दिस इज ऑल अबाउट द रे ऑप्टिक्स एंड इट्स ऑल अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो हेयर रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। यू कैन नोट इट डाउन इन जस्ट 5 सेकंड।